अस्सलाम वालेकुम, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार, आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। बुलडोजर कल्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। मौलाना अरशद मदनी और सुप्रीम कोर्ट के जजों से इजहार तशक्कुर। हाफिज मोहम्मद नईम खान ने कहा कि यह फैसला मुल्क में आमिराना ज़हनियत पर कारी ज़र्ब होगा। बुलडोजर कल्चर एक डिक्टेटराना ज़हनियत का नतीजा था, जिसके खिलाफ मुल्क की फालो मुतहरिक जमात जमीयतुल उलमा हिंद ने मौलाना अरशद मदनी की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सादिर किया, वो न सिर्फ मुल्क की तारीख का एक यादगार फैसला है, जो मुल्क में एक अहम संगे मेल साबित होगा, जो मुल्क के मुस्तकबिल की पेशरफ्त का सही तायुन करेगा, जिस पर जमहूरियत व सेकुलरिज्म की पुख्ता राहें हमवार होंगी और मुल्क में एक बार फिर दस्तूर को बाला दस्ती हासिल होगी। जिला निज़ामबाद जमीयत उलमा के साबिक सदर हाफिज मोहम्मद लईक खान ने इस तारीखी फैसले को सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान और मौलाना अरशद मदनी से दिली इजहार तशक्कुर किया, जिनकी जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमतों और नज़्म व नस्क के जिम्मेदार इंतजामिया को जज नहीं बनना चाहिए और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी के भी घर को मुनादिम नहीं करना चाहिए, वरना इंतजामी हुकाम पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस मौके पर हाफिज असगर अली रहमानी, हाफिज शेख वसीम, हाफिज मोहम्मद फयाज, मुफ्ती शफीउद्दीन, शेख वसीम यन्नारई, हाफिज अब्दुल हकीम व दीगर मौजूद थे। आज जमीयत उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई चीज़ें तय हुई। सबसे अहम ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोजर को लेकर आया है, उसके ऊपर जमीयत उलमा निज़ामाबाद के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर चलाने वाली हुकूमतों को जो फुटकार दी है, उसके ऊपर हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं और अदालत के जो फैसला हुआ है उसके ये फैसला अदालत के एतमाद में सबके अंदर यकीन इजाफा करता है और बिलखुसूस हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद ने इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की है और उससे ये वकालत लगाकर जमीयत की जानिब से जो केस लड़ा है जिन सूबों में रियासतों में स्टेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाफिज हुए हैं, जहां पर बुलडोजर चलाकर लोग घरों को गिरा रहे थे, बुलडोजर के जरिए से दुकानात मकानात तबाह कर रहे थे, बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उस पर सुप्रीम कोर्ट का और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि अदालत तमाम हुकूमतों से ऊपर है और जो अदालत ने सबसे अहम बात कही है कि हुकूमत अदालत और जज न बने, ये बहुत सही बात है कि हुकूमतों को इंतजामिया को जज बनने की जरूरत नहीं है, जज तो कोर्ट ही में है, कोर्ट ही फैसला करेगा। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खबी को हुकूमत की जानिब से कारनामा हयात अवार्ड दिया गया, मुख्तलिफ हलकों ने उन्हें दिली मुबारकबाद दी। असिस्टेंट प्रोफेसर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज शोभा उर्दू तेलंगाना यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खबी को इनकी बेशबहा अदबी व तालीमी खिदमात बिलखसूस इनके मकालों को अहमियत की नज़र से देखते हुए साल 2023 के लिए अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। हैदराबाद की मारूफ रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़िदा एक पुरअसर तकरीब का महकुमा अखिलती बहबूद की जानिब से इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अहबाब को अवार्ड्स पेश किए गए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी थे, जबकि दीगर अहम मेहमानों में सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी, रुकन खान इंसाज कौंसिल आमिर अली खान शामिल थे। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल खबी को इनकी तहकीक अब्दुल माजिद दरियाबादी बहसियत सहाफ़ी पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और उनको कारनामा हयात अवार्ड पेश किया गया। मेहमानों और दिगर शुरका ने प्रोफेसर अब्दुल खबी की बाकसरत शालपोशी व गुलपोशी करते हुए इनको दिली मुबारकबाद पेश की। एक मुहक्किक के अलावा प्रोफेसर अब्दुल खबी एक शानदार अदीब, एक मुशफ़िक उस्ताद और एक बेबाक सहाफ़ी की हैसियत से भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। खबर जी वो लंदन से निकलने वाले उर्दू अखबार जो उर्दू टाइम के नाम से शाया होता था, उसके लिए भी खिदमात फराहम की थी।
इसके अलावा यूरोपीय ममालिक स्कॉटलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका व कनाडा से निकलने वाले अखबारात सहाफियों, अदीबों और शायरों के अलावा जरीदों और रिसायल पर भी तहकीकी कालम लिखे। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के निसाबी किताबों के लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ असबाक तहरीर किए। कई मौके पर उनको एवार्ड और तौसीफ नामों से भी सरफराज किया गया। और इस बार कारनामा हयात एवार्ड खुद हुकूमत की जानिब से तहकीक व तनकीद के ज़िम्मे में अता किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर तेलंगाना यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल कवी मारूफ फुटबॉलर व सीनियर अकाउंटेंट सब ट्रेजरी मोहम्मद अब्दुल बारी मरहूम के फर्जंद है। एवार्ड के हसूल पर उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, चेयरमैन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी और MLC आमिर अली खान से दिली इजहार तशक्कुर किया। 14 नवंबर को आदरणीय साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम-ए-पैदाइश तकरीब, कांग्रेस अखिलती कायदीन ने खराजे अकीदत पेश की और तलबा में नोटबुक्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। 14 नवंबर आनजहानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस के अखिलेती कायदीन ने यूथ लीडर मोइन यूनुस की क्यादत में तलबा में नोटबुक्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। मिर्चिका बोर्ड में वाकई गवर्नमेंट हाई स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर मेहमानों, असातिज़ा और तलबा ने आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने तलबा में नोटबुक्स, खाने के प्लेट्स, फैशन शो के ड्रेसेस और बिस्किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोइन यूनुस ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अजीम रहनुमा की हैसियत से हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक अजीम मुजाहिद आज़ादी थे और साथ ही एक मुदब्बिर व दूरंदेश सियासतदान भी थे। अंग्रेजों ने लूटमार करते हुए मुल्क अजीज हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया था। इस तबाहाल मुल्क को अपनी बुर्दबारी व दानिशमंदी से एक तरक्याफ्ता मुल्क बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं लेकिन मुल्क की आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बिलखसूस इस मुल्क के बच्चे अपने चाचा नेहरू को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। बच्चों को चाहने और उनके साथ खेलने, हंसने मुस्कुराने वाले चाचा नेहरू लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा जावीद रहेंगे। इस मौके पर इनके हमरा सैयद जाकिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद असद और दीगर मौजूद थे। आज अल्लाह सुबहाना ताला का करम हुआ है कि मैं बांट रहा हूँ। ये मैडम की मेहरबानी है, मैडम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैडम आज यहाँ पर बुलाकर के बच्चों से जो खुशी दिलाए हैं, मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी पूरी टीम का भी, वली भाई का, रिजवान का, जाकिर भाई का, असद का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और तमाम बच्चों से भी मिल के बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह ये स्कूल के जो भी इश्यूज़ है, मैडम भी कई इश्यूज़ बताएँ, उस इशू पर मैं TPCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब के साथ रखूँगा। इंशाल्लाह निज़ामाबाद के कलेक्टर DO और महेश अन्ना से बात करके इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा मैं 14 तारीख के दिन चिल्ड्रंस डे के दिन इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अधिशान एक दिन और एक जश्न मनाया जाता है 14 नवंबर, जो कि जवाहरलाल नेहरू, जिस छोटे बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। वो शख्सियत है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े हुकूमत बनी तो वज़ीर आज़म असद भाई थे, तो वो चाचा नेहरू जी थे। उनके तमाम कारनामे हैं, सबसे अजीम कारनामा उनका है हिंदुस्तान आज़ाद हुए तक और आज तक भी और आने वाले वो कल भी एक अजीम शान एक दिन मनाया जाता है उनकी पैदाइश के ऊपर। वो दिन ये है तमाम तालीमी इदारों के अंदर उनको अगर लोग जाना जाता है तो उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। नीला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में शाही यूथ डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से तलबा में टाई और बेल्ट की तकसीम जमे अखबार के मौके पर आनजानी वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को पेश की गई जबरदस्त खराज अकीदत। 14 नवंबर को शाही यूथ डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नीला में यौम अतफाल का एहतमाम किया गया और इस मौके पर तलबा में टाई और बेल्ट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद एजाज अहमद, अब्दुल गनी, सद्दाम अहमद और दीगर मेम्बरान मौजूद थे, जबकि मेहमानों में रंजन मंडल MEO, इंजीनियर और हेडमास्टर श्री राम व दीगर असातिज़ा और औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन के डायरी होटल मालिकीन के साथ MLA बोधन का खसूसी इजलास,
विजय डेयरी के दूध को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की गई। उन्होंने दीगर दूध से इस्तेमाल का मशवरा दिया। बोधन के गेस्ट हाउस में तमाम डायरी मालिकान और होटल मालिकान के साथ बोधन रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और म्यूनसिपल चेयरपर्सन तुम पद्मा शरत रेड्डी भी मौजूद थी। इस मौके पर बोधन रुकनी असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने वाजी किया कि उनकी तजवीज करदा विजया कंपनी का दूध ही मुकम्मल तौर पर हुकूमत के जेर निगरानी में तैयार किया जाता है और उसकी हर तरह से जाँच की जाती है। उन्होंने कहा कि ये दूध अवाम की सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है, इसमें मिलावट का कोई अंदेशा नहीं। सुदर्शन रेड्डी ने मजीद कहा कि दिगर कंपनियों के दूध के फार्मोलेशंस में केमिकल्स और दवाओं के शामिल होने की इत्तला है, जो अवाम के लिए नहायत ही ख़तरनाक है और कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों का सबब भी बन सकती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ एक हुकूमती कंपनी का दूध ही मियारी पाया गया, जबकि दिगर कंपनियों के दूध में खतरनाक मवाद होने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और म्यूनसिपल चेयरपर्सन पद्मा शरत रेड्डी ने दूध डायरीज और होटल मालिकान को हिदायत की कि वह अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए मियारी और खालिस दूध की फ्राहमी को यकीनी बनाए। इस मीटिंग का मकसद अवाम को सेहतमंद जिंदगी की तरफ रागिब करना और नाकिस दूध की फरोख्त पर पाबंदी आयद करना था। यह इजलास अवामी मफाद में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है, जो दूध के मियार को बेहतर बनाने और सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में मददगार साबित होगा। 87% कैंसर आने की उम्मीद है दूध की तरफ से, लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी अपने रियासत में रेवंत रेड्डी साहब और सुदर्शन रेड्डी साहब के आदेश पर विजय डेयरी का दूध इस्तेमाल करना वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें मिलावट नहीं रहता, लिहाजा हम सब यहाँ पर जो भी काउंसलर हो, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी ऑफिसर्स हो, डेयरी के डिपार्टमेंट के लोग हो, घर घर जाकर मोहतरमा म्यूनसिपल चेयरमैन साहब सुसन खवातीनों को बताने के लिए, खवातीनों को बोलने के लिए, और आप समझते होंगे हॉस्पिटलों में आज बच्चों के बीमारियों की तादाद बढ़ते जा रही है। बच्चों को बीमारी कैसा आ रही, क्यों आ रही, बीमारी सिर्फ दूध की वजह से आ रही, लिहाजा हम सब की शहरियात का जिम्मेदारी है। ఈ పాల ద్వారా అంటే కల్తీ పాలు తాగడం వల్ల అందరూ కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశం ఉందని వారు నిర్ధారించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మన బోధన్ పట్టణంలో మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి మన ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి గారి సూచనలతో ఈరోజు నుంచి మనం అందరం కూడా నా తోటి కౌన్సిలర్స్ అందరం కూడా మరి విజయ డైరీ వారి ఆధ్వర్యంలో వారి స్టాఫ్తో వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా లేడీస్కి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ప్రతిరోజు పొద్దున్న లేవగానే పాల ప్యాకెట్ తీసుకురండి అని మేము చెప్పేది మేమే కాబట్టి పాల ప్యాకెట్ ఏదైతే మంచిది అనేది కూడా మాకు తెలుసు. యాక్చువల్గా నేను హైదరాబాద్లో ఒక 4 ఇయర్స్ ఉన్నాను. ఆ 4 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు విజయపాలే వాడండి. कथाकृति जिला परिषद हाई स्कूल में यौम अतफाल तकरीब का अहतमाम तलबा ने मुख्तलिफ मुकाबलों में बसत शौक हिस्सा लिया। इस मौके पर DSC 24 के जरिए मुंतखब टीचर मोहम्मद इलियास अहमद को तहमीद पेश की गयी। 14 नवंबर को मोहम्मद अब्दुल करीम सदर मुदर्रिस जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम कथाकृति की निगरानी में यौम अतफाल तकरीब का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद ने बड़े शौक और दिलचस्पी से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। तलबा ने तकारीर, मकालिमात, नज़में, गीत, लतीफा गोई और शेर व शायरी में भरपूर हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरा किया। इस तकरीब में DSC 2024 के तहत मुंतखब होने वाले नए टीचर मोहम्मद इलियास अहमद की शालपोशी गुलपोशी करते हुए उनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर असातिज़ा मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद मुजाहिद, अमीनुल्ला, मोहम्मद इलियास, जबीन टीचर, सुमैया टीचर के अलावा तलबा और औलिया तलबा ने भी शिरकत की और शानदार प्रोग्राम पर अपनी मसरत का इजहार किया। आखिर में हेडमास्टर मोहम्मद अब्दुल करीम ने तमाम मेहमानों, तलबा और औलिया तलबा से दिली इजहार तशक्कुर किया। सिरगुंडा मंडल के किड्स पार्क स्कूल में चिल्ड्रन डे का एहतमाम आन जानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को असातिज़ा और तलबा ने जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। श्रीकोंडा मंडल मसखर के किड्स पार्क स्कूल में
चिल्ड्रंस डे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल व सातिजा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बादजा स्कूल के नामा निगार जाकिर हुसैन ने बताया कि यौम अतफाल एक ऐसा दिन है जब दुनिया भर में बच्चों के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद को उजागर किया जाता है। ये दिन बच्चों की अहमियत और उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए ज़रूरी इकदाम की याद दहानी कराता है। इस मौके पर स्कूल का किरदार नहायत ही अहम होता है, क्योंकि स्कूल बच्चों की शख्सियत की तश्कील का बुनियादी मरकज़ है। स्कूल बच्चों को न सिर्फ तालीम फराहम करता है, बल्कि ये दिन उनके जहन को निखारने और उनमें सलीखा और नज़्म पैदा करने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका फराहम करता है। बाद अज़ां स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। और रेतु संगम जिला सेक्रेटरी टी वेंकटेश उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मजम्मत की। आरमूर हलके के जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में खिदमात अंजाम देने वाले मिड डे मील कारकुनों की गैर कानूनी बरतरफी के खिलाफ एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मिड डे मील कारकुनों की गैर कानूनी बरतरफी की सख्त मजम्मत की गई और ये कॉन्फ्रेंस आरमूर टाउन के प्रेस क्लब में के एलिया की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां और रायतु संगम के जिला सेक्रेटरी पी वेंकटेश्वरलू ने शिरकत की। इस मौके पर CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनों को खिदमत से बिला वजह बरतरफ किया गया, जो कि गैर कानूनी है। उन कारकुनों को फौरन बहाल किया जाए। बसूरत दिगर जिला भर के तमाम स्कूलों के मिड डे मील वर्कर्स के साथ शदीद एहतजाज मुनज़म किया जाएगा और इस ज़िमन में इस माह की 18 तारीख को अवामी अंजुमनों ने आरमूर तहसील ऑफिस का घेराव करने की कॉल दी है, जिसे कामयाब बनाना है। इसके अलावा इस माह की 21 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जा रहा है। मिड डे मील्स वर्कर्स को दोबारा बहाल करने तक ऐसा ही एहतजाज किया जाता रहेगा। इस प्रोग्राम में शंकर गौड़, DYFI जिला सदर नरेश कुमार, सैलू के अलावा दिगर मौजूद थे। मध्यान भोजन एदैते इक्कड़ आर्मूर लो एजेंसी पंजेस्ता उंदो गर्ल्स स्कूल लो नलुगुर्नी तोलगिंचडं जरिगिंदि। इप्पटिके हेडमास्टर गारितो चर्चिंचिनां मात्लाडिनां ओप्पंदं जरिगिंदि। विधुल्लोकि तीसुकुंटामनि हामी इच्चारु। वेंटने रेंडो रोजु మళ్ళీ తిరిగి మీరు విధుల్లోకి రావద్దని చెప్తున్నారు। అసలు హెడ్ మాస్టర్ సమస్య ఏంటిది? మాకు అది అర్థం కావట్లేదు। అంటే ఆమె మాట చుట్టూ ఆమె చుట్టూ తిరగాలా? ఆమె మాట వినాలా? ఆమె ఏదన్నా హెడ్ మాస్టర్ అంటే ఎట్లా ఉండాలా? పర్యవేక్షణ ఉండాలి తప్ప ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది కాదు। వాస్తవంగా హెడ్ మాస్టర్ గారు ఇవాళ కావాలని కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడి కార్మికులు ఆమె మాట వినలేదు అనే పేరుతోటి నేపంతోటి తొలగించారు। దీన్ని CITU CIT అనుబంధ సంఘాలు కార్మిక సంఘాలు వర్గ సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నారు। ఇది ఆజ్కి కుష్ ఖబరే। మరి ఖబరోకే సాత్ ముఖాత్ హోగి తబ్ తక్ కే దే ఇజాజత్। అల్లా హాఫిజ్।